जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेज में। स्पेशली हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं टोटल हर स्टेट्स को हम लोग अलग अलग कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उसको हमने कवर किया है। आज हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए कोई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा ये चैनल है बी एन सिंह क्लासेज, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें, ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में बात करेंगे, वो है आपका पैके टाइगर रिजर्व। देखिए, इस टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक आपका प्रोटेक्ट टाइगर रिजर्व, यानी कि जो आपको टाइगर बचाने का जो आपका एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंतर्गत इसे बनाया गया था। इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ये आपका पैके केसांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये स्थित है। टोटल अगर हम लोग इसका एरिया बात करें तो ये आपका टोटल एरिया कवर करता है 862 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर 862। और ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 19 अप्रैल 2001 को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गया गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने इसका नाम पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पैके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये अभी जो इसका नाम है बदल के कर दिया गया है पखुई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका आता है पैके केसांग डिस्ट्रिक्ट में, 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। और हम लोग इसका इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं तो देखिए ये क्या है कि ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है, इसे प्रोटेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बनाया गया था। और ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये जो इंडिया का एक अवार्ड है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, ये 2016 में इसे मिला था, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 में इसे मिला था। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, यानी कि जो आपके विलुप्त प्राणी होने वाले, जो आपके जो खतरे में जो प्रजातियां होती हैं उनको बचाने के लिए जो काम किया गया था उसके लिए इसको अवार्ड मिला था, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, ठीक है। किसके लिए मिला था, जो आपका हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका एक लोकेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका मेनली जो आपके पैके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका आता है जो ईस्टर्न हिमालय है उसके फुट हिल्स में, यानी कि जब आप नीचे की तरफ आएंगे, ये आपका मान लो हिमालय है, तो ये जो आपको फुट हिल है यहाँ पे, ये है आपका ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। और ये आपका पड़ता है पैके केसांग डिस्ट्रिक्ट में। ये जो आपका है, ये आपका चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, वेस्ट में इसके कैमेंग रिवर है, और नॉर्थ मतलब नॉर्थ और वेस्ट से ये आपका कैमेंग रिवर से घिरा हुआ है। और पैके रिवर जो है इसके ईस्ट में है, मतलब कि दो तरह से आपका जो है कैमेंग रिवर घिरा हुआ है, वेस्ट और नॉर्थ, यानी उत्तर और पश्चिम से, और आपका पूरब से जो है वो आपका पैके रिवर इसको घेरे हुए है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है आपके बहुत ही घने जंगल हैं चारों तरफ से। और टू द लेफ्ट, सॉरी, इसके जब हम लोग जाएंगे तो आपका इसके पूरब में, पैके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पूरब में यानी ईस्ट में है आपका पैपम रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और इसके थोड़ा और आगे हम लोग जाएंगे साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ, तो जो आपका बहुत सारे जो आपके सेंचुरी हैं वो इसको जोड़ते हैं। जो असम का एक सेंचुरी है नामेरी नेशनल पार्क, वो इससे जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम इस सेंचुरी से हल्का सा आगे बढ़ें अगर नॉर्थ की तरफ, तो आपका हमको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क, जो आपका असम में है, ठीक है। वेस्ट में ये घिरा हुआ है डोमीरा रिजर्व फॉरेस्ट से और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, रिजर्व फॉरेस्ट, नदी, जंगल, इन सबसे पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। और मेनली जो कह सकते हैं कि ये जो आपका है, ये नदी है इसके तीनों तरफ, तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं फर्टाइल लैंड है, यानी कि बहुत ही मतलब उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे जंगल और झाड़ियाँ ये सब बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। एक बार हम लोग इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखिए, जो एरिया है पैके टाइगर रिजर्व का, इसे शुरुआत किया गया था
पहले कॉन्स्टिट्यूट एज ए पकुई रिजर्व फॉरेस्ट 1 जुलाई 1964 को पकुई रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से, बाद में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था 2001 में, इसका फिर से नाम बदल गया है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बिकम अ पखुई टाइगर रिजर्व ऑन 23 अप्रैल 2002। तो अभी इसका जो रिसेंट जो नाम है वो है आपका पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये 2002 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और ये आपका 26वां टाइगर रिजर्व है, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अंतर्गत ये 26वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसके जो फ्लोरा है यानी कि जो प्लांट स्पेसीज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपके जो है आपका सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ईस्टर्न हिमालया ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, मतलब चौड़े चौड़े पत्तियों के जो फॉरेस्ट हैं, टोटल यहाँ पे 343 यानी 343 वुडी स्पेसीज है, यानी कि आपके जो पेड़ के जो स्पेसिंग है वो आपके 343 हैं जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो 1500 स्पेसीज जो हैं वो आपके वास्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके थोड़े फौना की बात करें यानी कि जो एनिमल स्पेसीज है उसके बारे में हम लोग बात करें, तो देखिए यहाँ पे लगभग जो है आपके 40 मैमल स्पेसीज है, यानी कि जो आपके स्तनधारी जो आपके जानवर हैं स्पेसीज है वो यहाँ पे टाइगर पखुई टाइगर रिजर्व में आपके हैं, ठीक है। पखुई टाइगर रिजर्व में आपके लगभग 40 स्तनधारी स्पेसीज यहाँ पे हैं, जिसमें से 3 बड़े बड़े कैट फैमिली के हैं, जो आपके बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड डॉग, एशियाटिक जैकॉल, ठीक है। और इसके हर्बिवरस जो स्पेसीज हैं यानी कि जो आपके शाकाहारी जो प्रजाति हैं वो एलिफेंट, बार्किंग डियर, गौर और सांबर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नोटेबल मैमल्स अगर हमें आप बात करें, टाइगर रिजर्व है यहाँ, टाइगर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, जंगल कैट, वाइल्ड डॉग, जैकॉल, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सब यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग 296 बर्ड स्पेसीज हैं, यानी कि 40 जो है आपके कह सकते हैं कि जो मैमल स्पेसीज हैं, और 296 ये आपके बर्ड स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या पे यहाँ पे जानवर और जो पक्षियाँ हैं वो निवास करते हैं, ठीक है। पार्क प्रोटेक्शन की हम लोग बात करें, देखिए कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्क को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखिए 27 जो यहाँ पे एंटी पोचिंग कैंप्स हैं, पोचिंग मतलब जो आपके शिकारी होते हैं, एंटी पोचिंग कैंप्स हैं आपके टोटल 104 लोकल, जो इसमें आपके जो लोकल लोग हैं, लोकल यूथ, और 20 गाँव बुराज यानी कि जो विलेज के जो फादर्स कहें, जो गांव के जो बड़े लोग होते हैं, इन लोगों को मिला के ये जो आपका 27 एंटी पोचिंग कैंप्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एक आपका 40 किलोमीटर लंबा यहाँ पे एक रोड बनाया गया है, जिससे यहाँ पे जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो लोग होते हैं वो जंगल के आसपास रहते हैं, जिसे हम लोग नीसी कम्युनिटी कहते हैं, नीसी कम्युनिटी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका घोरा एबे है, एक आपका जो विलेज के जो चीफ होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है, और जो वुमेन होती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं, इनकी जो अथॉरिटी होती है, जो आपका SHGHA, ठीक है, जो आपका खुद से जो हेल्प करने वाला जो ग्रुप होता है, उसके अंतर्गत ये लोग मतलब मिल के पूरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये लोग जो हॉर्नबिल नेस्ट होता है, यानी कि जो एक पक्षी है हॉर्नबिल पक्षी, उसको घोसला यानी कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको ये बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो आपका इम्पोर्टेंट जो भी इसमें था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो हमारा रिजर्व है उसके बारे में। तो देखिए अगला जो हमारा है वो है आपका डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो आपका डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका जो है ये 190 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और इसे 1978 में स्टेबलाइज किया गया था यानी इसे बनाया गया था। ये देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और नॉलेज देते हैं, देखते हैं फैक्ट। तो ये आपका 1978 में बना था, और ये अरुणाचल प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
देखिए मोस्ट जो आपका सेंचुरी है इसका जो 80% है, यानी कि जो इसका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका लगभग 80% जो है वो घास से भरा हुआ है, ग्रास से कवर किया गया है। इसके अलावा जो आपके बचते हैं वो रिवरिन फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल है वो नदी से जो मिलकर बना हुआ जो जंगल है, यानी कि जो रिवरिन फॉरेस्ट है मिक्स्ड विद बाम्बू एंड सेकेंडरी फॉरेस्ट। ठीक है, सेंचुरी जो है आपका ये कह सकते हैं जो आपका पासी घाट है वहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ट्री और एनिमल्स हैं। यहाँ पे आपको दो जो कैट फैमिली है, जो कैट उसके दो फैमिली के दो लोग मिलेंगे आपको, एक है वो टाइगर एक है लेपर्ड। ठीक है, जो आपका कैट स्पेसीज है उसके लेपर्ड और टाइगर यहाँ पे आप मिलेंगे। ठीक है, अगला है आपका ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जो आपका ईटानगर है, ईटानगर जो आपका है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है, तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका है सेंचुरी, ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आगे बात करते हैं ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखिए ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 2 फरवरी 1978 को, 2 फरवरी 1978 को इसे बनाया गया था, और ये आपका आता है पैपम पारे डिस्ट्रिक्ट में। पैपम पारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल एरिया कवर करता है 140.30 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ के हम लोग कुछ फेमस फ्लोरा के बारे में बात करें, यानी कि जो यहाँ के प्लांट स्पेसीज हैं। देखिए यहाँ के जो अगर प्लांट को अगर हम फॉरेस्ट को अगर हम क्लासिफाई करें तो उसको ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम लोग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे आपके जो पैचेज ऑफ बैम्बू, यहाँ पे मतलब मेनली जो आपके बैम्बूज जो हैं, बम्बू जो बांस का ट्री है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो और भी जो ट्री स्पेसीज हैं आपका डाउबंगा ग्रैंडिफ्लोरा, जैसे कोकोआ हो गया, अमूरा, वेलची, अमन, टूना कैलिटा, पोमा, मैग्नोलिया स्पास, आपका सोपा, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो आपके कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्लांट यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एनिमल की बात करें, फौना की बात करें, तो ईटानगर सेंचुरी जो है यहाँ पे एक बहुत मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे एनिमल्स बहुत मतलब बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आपका टाइगर है, लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, एशियन एलिफेंट है। ठीक है, इसके बाद अलावा जो आपका गौर, स्लॉथ बियर, बार्किंग डियर, मार्वल कैट, ठीक है, कैब लंगूर, स्लेंडर लॉरीस, ये सब आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेट बर्ड है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो स्टेट बर्ड है, राजकीय जो पक्षी है वो है आपका हॉर्नबिल, हॉर्नबिल वो भी यहाँ पे इस सेंचुरी में आपको रेगुलर रेगुलर साइट में दिख सकती है। द वाइट विंग डक भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस सेंचुरी पे थ्रेट यानी कि जो खतरा है वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब से मतलब इस सेंचुरी के पास जो आपका ह्यूमन पॉपुलेशन है इसके चारों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में रहती है, देर ये कंटिन्यूस थ्रेट फ्रॉम द पीपल हु कैरी आउट द इलीगल हंटिंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है वो कि देखिए इस जो सेंचुरी है, सेंचुरी के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं और लगातार इसमें जो अंदर जाके वो लोग हंटिंग करते रहते हैं, जो शिकार करते हैं इलीगल हंटिंग, उससे इस सेंचुरी को खतरा है। इसके अलावा फिशिंग हो गया, आग से हो गया, जो आपकी ग्रेजिंग है, जो जानवरों को लेकर जो आपको घास खिलाया जाता है, इन सबसे। इसके अलावा इंक्रोचमेंट्स इन द सेंचुरी एरिया, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड करती है डी नोटिफिकेशन ऑफ द सर्टेन पोर्शन ऑफ द सेंचुरी ड्यू टू इंक्रोचमेंट, मतलब वहाँ पे घुसने उसने की जो मनाही है इन सब बातों पे, यानी कि लोकल लोग वहाँ पे नहीं जा सकते या जो भी आपके शिकारी जो भी लोग हैं वहाँ पे इंक्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है आपका मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका मेहाओ लेक के पास है, यानी कि जो आपका मेहाओ लेक है इसके बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, यानी कि इसके मतलब कंजर्व द बायोडायवर्सिटी अराउंड द मेहाओ लेक, मेहाओ लेक के आसपास का जो आपका इकोसिस्टम है जो उसको बनाए रखने के लिए और इस बायोडायवर्सिटी को सेव कंजर्व करने के लिए इसे मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये जो सेंचुरी है यहाँ पे मतलब नेचुरल लश, ग्रीन फॉरेस्ट, लेक्स ये सब मिलते हैं।